एक नंबर स्पायसी वडापाव. बनवलेली केक घेतलेली ती गरम करण्यासाठी आमच्याकडे ओव्हन नव्हता. तो आज हम करने वाले पैनासोनिक का ओवन का कल द अनबॉक्सिंग. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग. तो अभी जैसे हम लोग घर से बाहर निकले हुए हैं, आप सामने बुर्ज खलीफा देख सकते हैं, उसमें लाइट बढ़िया से चल रहे हैं. तो पहले तो चलो स्नैक्स कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है अपना. वड़ा पाव, वड़ा पाव आज हम लोग खाएंगे दुबई में. वड़ा पाव वो भी अपना हरा और लाल चटनी के साथ. अलग कमी चटनी बोलते हैं, ज्यादा चटनी दी. अच्छा, कैसा वाला वड़ा पाव? हाँ, एक नंबर स्पाइसी वड़ा पाव. स्पाइसी है ना? चाम और आता डेडली कॉम्बिनेशन. ये जो आप देख रहे हैं ये दुबई म्यूजियम है. तो मम्मी के लिए भी फिश बर्गर लिए. कैसे लगा बर्गर? एकदम टेस्टी, मच्छी का बर्गर. अभी हम लोग कैलिफोर्निया में आए, एक्चुअली हम लोग को ओवन लेना था. एम भगभुगे भग्नि भागोदरी भग्मासे यौनि ओम फट स्वाहा. तो ये वाला ओवन डन कर दिए. बनवलेली केक घेतलेली ती गरम करण्यासाठी आमच्याकडे ओवन नव्हता. ये देखो इधर अभी मम्मी पार्किंग में देखो राउंड मार रहे. चलो तो फ्रेंड्स अभी सीधा घर पे मिलते हैं और अपने ओवन का अनबॉक्सिंग करते. 2 hours later. सचिन आणि सुमित माझी दोन पोर ओपनिंग करत आहेत ओव्हनचं. कन्व्हेन्शन ग्रिल मायक्रोवेव्ह ओव्हन सिल्वर कलर पॅनासोनिक, त्याचा अनबॉक्सिंग. तो आज हम करने वाले पॅनासोनिक का ओव्हन का काय होतं अनबॉक्सिंग. ठीक आहे, नाही जास्त झाली अनबॉक्सिंग. तर हे आहे आपला ओव्हन, टू बी सर्व्हिस ओनली बाय सर्व्हिस टेक्निशियन. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. टेक्निशियन डिझाईन एकदम ऑसम आहे. आणि याच्यामध्ये बघू शकता, याच्यामध्ये खूप सारे ऑप्शन दिलेले आहेत. हे बघा, कन्व्हेक्शन म्हणजे काय आहे? ती एअर फ्रायरचं काम करतं. ठीक आहे, ग्रिल आहे, मायक्रो पॉवर आहे. आणि ह्याच्यामध्ये अरे वा, त्यांनी बरेच सारे ऍक्सेसरीज पण दिलेले आहेत. आई तर ह्याच्यामध्ये काय काय दिलेलं आहे आपण पाहूया. तर ह्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिले दिलं त्यांनी एक बँडेज, म्हणजे काय लागलं बिकलं काय ठेवतं ना, तर हे आपण हाताला लावा. ये मॅन्युअल आहे ये ओव्हन का. ठीक आहे, आज तक किसने पडा नाही तो हम इसका यूज नहीं करेंगे. इसके ऊपर रखने का चिकन मटन ग्रिल आइटम, और इन्होंने दिया है कांच की प्लेट, और ये दिया है इन्होंने रिंग. तो अपन रखेंगे इसको अभी ओवन के अंदर, और ये भी हम इसमें रख देंगे. ते गॅप आहे वे तीन. झालं आय थिंक, झालं नाही आणि ह्याच्यावरती जर तुला पिझ्झा बनवायचा ना, पिझ्झा बनवायचा ना, ह्याच्यावरती पिझ्झा ठेव बनवून पिझ्झा बेस आणि हे ह्याच्यावरती असं ठेवायचं. आणि जर तुला पिझ्झाच्या वर चिकन पण बनवायचं तर हे त्याच्यात मध्ये दोन पिझ्झा एकडे बनवू शकतो. आणि तुम्ही बघू शकता पाठी कॉइल आणि एक फॅन आहे. चलिए दोस्तों, इसको अभी रखने के लिए खाली जगह नहीं है, उसका जगह हमको बनाना पड़ेगा अभी. दोस्तों ये जो है इसका एक्चुअल MRP जो है 1000 दिरहम था, बट नेशनल डे सेलिब्रेशन UAE का था 50th, तो हमें कैरी फोर से हमें ये मिला है अच्छे ऑफर में, अच्छे डिस्काउंट में. ये हमको पड़ा है 629 दिरहम्स में. तो यहाँ पे है अरबिक मेनू. ठीक है, ये मेनू यहाँ पे स्टिक करने का है, तो ये भी टच सेंसर है. तो गाइस ये अगर आप देखोगे यहाँ पे है ऑटो रीहीट. ऑटो रीहीट मतलब कोई भी खाना इसमें आप रीहीट कर सकते हैं, कोई भी सूप बना सकते हैं, मील बना सकते हैं, फ्राइड आइटम्स भी बना सकते हैं. तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो रीहीट, ये वाला. तो अगर आपको कुछ रीहीट करना है तो ये ऑटो रीहीट पे जाने का है.
सेकंड कैटेगरी है हेल्दी मेनू, मतलब एयर फ्राइंग का काम जो है। अगर यहाँ पे देखोगे हेट हेल्दी मेनू रीबेक, तो इसमें क्या आपका एयर फ्रायर का जो पैसा है वो बच जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे बैक साइड में एक कॉइल दिया है और यहाँ पे एक फैन है जो क्या करता है आपका जो कोई भी ग्रिल आइटम है उसको स्पॉन्जी और थोड़ा सा जूसी बनाने के लिए हेल्प करता है। तो इसके लिए आपको जो है ये जो है इसका हेल्दी मेनू ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें आप बना सकते हैं अरेबिक ब्रेड, क्रॉइसेंट, फ्रोजन पोटैटो फ्राइज, फ्राइड चिकन एंड माय फेवरेट चिल ब्रेडेड प्रोडक्ट्स। सो फ्रोजन ब्रेडेड प्रोडक्ट्स भी आप इसमें कर सकते हैं। थर्ड अगर आप देखेंगे मेन डिश, यहाँ पे एक मेन डिश का ऑप्शन है। अगर आपको मेन डिश में कन्फ्यूजन हो रहा है क्या है, तो इन्होंने एक अच्छा ऑप्शन दिया है, मैंने सुनी है कि यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज सेग्रीगेशन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे ऑटो रीहीट में आप क्या क्या कौन सा कैटेगरी में पड़ता है, हेल्दी मेनू में क्या पड़ता है, मेन डिश में। जैसे हमको मालूम नहीं कि बहुत बार पब्लिक को क्या होता है कि मेनू ये अपना मशीन तो ले लेते हैं लेकिन उनको ऑपरेट कैसा करना मालूम नहीं, तो वो टाइम पे क्या करते हैं कि हमको पता नहीं हम क्या करते हैं, कोई भी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट फिर वापस 20 मिनट यही करते रहते। उसके लिए सबसे बेस्ट है ये गाइड फॉलो करो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मराठी आइटम भी रखा है, वांगी भात। थोड़ा अच्छा लगा दुबई में ये आइटम देख के, वांगी भात पण ठेवले। हाँ, पालक राइस, चिकन मशरूम, लेमन राइस, साइड डिश में आलू मटर पनीर, मतलब यू कैन कुक एवरीथिंग एनीथिंग यू वांटेड। ठीक है, तो इसका ये सबसे बेस्ट एक एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बैचलर से दुबई में रहता है, क्या है यार खाना बनाना मालूम नहीं, तो बस कुछ भी आइटम डाल दो पक जाएगा। हाँ, साइड डिश में अगर आप देखो कुक वेजिटेबल्स है, पोटैटो करी, चटनी फिश, कीमा मसाला भी है, स्पाइसी फिश और भिंडी मसाला। You can see combinations, auto defrost, timer लगा सकते, auto reheat, healthy menu, main dish, side dish, dry gravy, soup snack, tandoori grill, भूक लागली मला आता रे सगळं वाचून। Japanese dessert down up हे dish नाहीये, हे timer से down up आहे। ठीक है, इसमें आप time add कर सकते, stop reset start week 30 and this all panel is sensor touch, no hard button, nothing to press, just a click, that's it. So you will find this window display over here, here you can see the timer, all menus you can see here, check it. एक काम तो कर याला चालू तो करूँ बोलिए अपन at least अभी हम करते हैं इसको start. So see healthy air frying, 0% oil, easy preparation, pre-programmed auto menus. Homemade goodness. I like Panasonic product very much because they are user friendly. असं नाही की मला सगळ्याचेच आवडतात, पण पॅनासोनिक थोडंसं एक ट्रस्टेड आणि एक जुनं नाव आहे आणि आपण पॅनासोनिकचे ऑलरेडी खूप प्रोडक्ट वापरलेले आहेत, त्यामुळे आपल्याला माहिती की एक कंपनी पण चांगली आहे. तर तंदुरी ग्रिलमध्ये हे काहीतरी आहे 67, याला मी स्टार्ट करतो एकदा. तंदुरी ग्रिल स्टार्ट. ओके, हे 19 मिनिट्सचं असतं हे तंदुरी ग्रिल, याच्यात काही नाही तंदुरी, पण आपण जस्ट ट्रायलसाठी जाऊ दे. आणि जर तुम्हाला स्टॉप करायचं ते स्टॉप बटन आहे आणि परत एकदा रिसेट, दॅट्स इट. खलास, मजा आया. बाय बाय, गुड नाईट, गुड नाईट, गुड नाईट. अरे बस. ऐक ना, हे ना नवीन नवीन आहे आता, तर त्याला काय करायचं, हे बंद करताना एकदम असं जोरात नाही आदळायचं, एकदम स्लोली असं टच करायचं, त्याला हात धुवून पुसून लावायचं. ठीक आहे, हे काय नाही, सगळी नाटकी एक आठवड्यासाठी असतात ना, नंतर मग सगळी आधार आपटच असते नंतर.